हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो वीडियो है खेसारी लाल यादव की। हाँ जी, कोई गाना नहीं है, कोई ट्रेलर नहीं है, कोई मूवी नहीं है, खेसारी भैया आए हैं लाइव। आज फिर लाइव आए हैं और जो लाइव का टॉपिक है वो आपको बता देती हूँ। टाइटल है जो अभी अभी आए खेसारी भैया लाइव और चिंटू पांडे को खूब रेला गजब भाई। मतलब चिंटू भाई के साथ भी इनकी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी जब मैं वीडियो डाउनलोड कर रही थी तो दो तीन वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने वो इग्नोर कर दी। मैं क्या कुछ ऐसा ही होगा, बट मुझे लग रहा है मामला बहुत सीरियस है क्योंकि खेसारी भैया लाइव आए हैं अपनी बात रखने के लिए। तो कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। तो उसके लिए हम पहले ये देख लेते हैं वीडियो खेसारी भैया की, उसके बाद हम चिंटू पांडे की भी वीडियो देख लेंगे। तो पहले जल्दी जल्दी वीडियो देख लेते हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उल्टा बोल देती हूँ मैं कभी कभी। आपके संस्कार ही गंदे हैं। वो संस्कारिक हैं, उनके अंदर संस्कार है। वो संस्कार से वो अपने खेसारी को प्यार करते हैं, तो उन्होंने मेरे घर परिवार से लेकर हर आदमी का, और मुझे देखते हैं कि हाँ मैं कैसे अपने जीवन को चलाता हूँ, अपने विचारधारा को कैसे लेके चलता हूँ। तो आपसे तो आशा भी नहीं कर सकता कि आप अच्छी बातें करोगे। किसकी बात हो रही? क्योंकि संगति आपका गंदा है, आपके संस्कार ही गंदे हैं। तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटी है। ऐसा क्या? भैंस के कोख से पैदा हुए हो? हैं? भैंस के कोख से तो पैदा हुए नहीं हो, किसी माँ के कोख से ही पैदा हुए हो। उस माँ को कोख को गाली क्यों दे रहे हो यार? वो भी जबरदस्ती किसी को फैन बनाओगे क्या? हैं? बेहतरीन काम करो, कराओ ताकि दुनिया जाने। हमने कभी रिएक्ट नहीं किया इस बात से, जैसे कोई मुझे नहीं जानता। ठीक है, नहीं जानता है, मैं बेहतरीन कोशिश करूंगा, अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा ताकि दुनिया मुझे जाने। मैं अच्छे विचारधारा क्या संस्कार के साथ अपने जीवन को लेकर चलूंगा ताकि मेरे संस्कार को भी दुनिया अपनाए। ये गलत है यार, मत करिए आप लोग ऐसा। आप जिसके भी फैन हैं, मुझे उससे दुख नहीं है, आप उनको प्यार करिए। लेकिन जबरदस्ती किसी को फैन बनाओगे, किसी को जानने पे मजबूर करोगे, ये कौन सा नियम हो गया भाई? हैं? ये कौन सा विचारधारा है? क्या बात है? खेसारी को हजारों लोग उसके परिवार को गाली दे देते हैं तो आपका विचारधारा नहीं रहता है। मैं इंसान नहीं हूं, मुझे भी रिएक्ट करना चाहिए। आप मुझे डेली गाली देते हो, कभी मैंने रिएक्ट नहीं किया। आप लोग मुझे डेली, जिनके फैन हो उनके फैन बनके, और आप मुझे डेली गाली देते हो, मुझे हजारों नाम दे देते हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। रीजन ये है क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। मैं 24 घंटा काम अपने लोगों के लिए करता हूँ, उन फैन के लिए करता हूँ जो मुझे अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपने घर का सदस्य मानते हैं। मैं उनके लिए जीता हूँ। मेरी जिंदगी मेरे परिवार के लिए जितनी सक्रिय है उतने ही मेरे उनके लिए सक्रिय है जिन्होंने मुझे बनाया है। मैं अपने फैमिली को भी उतना ही टाइम देता हूँ। और तो जी, हमें ये तो पता लग रहा है कि किसी ने कुछ बोला है खेसारी भैया को, और इनकी ये बात भी सही है कि जब खेसारी भैया को कोई गाली गलौज करता है तब कोई इंसानियत किसी को याद नहीं आती है, लेकिन जब खेसारी भैया के फ़ैन किसी को कुछ बोल देते हैं, कोई बात हो जाती है, तब बहुत हवा उड़ जाता है। तो ये तो बात ठीक थी कि खेसारी भैया को भी यार बुरा लगता है, ऑब्वियसली है ना, वो भी इंसान है, वो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, कोई मजाक मस्ती तो करके यहाँ तक पहुँचे नहीं है। लेकिन मेरे को चिंटू पांडे का रोल इसमें कहीं पे भी समझ नहीं आया, क्योंकि ना तो इन्होंने किसी का नाम लिया और ना ही कुछ। हाँ, बस ये ज़रूर कह रहे हैं कि भी मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर आपका कोई फ़ैन नहीं है तो आप कुछ करो जिससे आपका कोई फ़ैन बने। तो इससे मतलब ये तो साबित होता है कि कोई बात ऐसी चल रही है, मतलब जो सेलिब्रिटीज़ के बीच की ही बात है। आई मीन टू से कि मतलब कोई सिंगर ही है या कोई एक्टर ही है जिनको ये इनडायरेक्टली चीज़ें बोल रहे हैं, बट नाम किसी का इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दें कि ऐसी कौन सी वीडियो जिसमें मुझे थोड़ा बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस कंट्रोवर्सी का, अदरवाइज़ फिर मैं भी है ना कुछ भी बोल ले जाऊँगी। फिर आप लोग बोलोगे भाभी आप तो कुछ भी बोल रहे हो, आप तो कुछ भी बोल देती हो, फिर आप लोग ऐसे बोलोगे ना। तो प्लीज़ हाँ मुझे बता दें कि किस टॉपिक पर क्या ही बात हो रही है, फिर मैं वो वीडियो पर रिएक्शन कर दूँगी। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।